आज कारगिल विजय दिवस है। आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराकर कारगिल वॉर में पाकिस्तान को हरा दिया था। आज कारगिल युद्ध को 25 साल हो गए हैं। वो तारीख थी 3 मई 1999 जब हिंदुस्तान को इस घुसपैठ का पता चला था। कुछ स्थानीय चरवाहों ने भारतीय सेना को पाक की इस नापाक हरकत के बारे में बताया था। -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने घुसपैठ की थी, जिसमें पाकिस्तान सेना ने भी इन घुसपैठियों की पूरी मदद की थी। लेकिन देश के वीर सपूतों ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान को इस युद्ध में धूल चटा दी। 84 दिन तक चले संघर्ष के बाद 26 जुलाई 1999 को भारत ने विजय हासिल की। और इसी के साथ ही हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में इस दिन को याद किया जाता है। पाकिस्तान की नजर हमेशा से ही कश्मीर पर रही है और जब उसका ये मंसूबा कामयाब नहीं हुआ तो उसने कश्मीर के जरिए देश में आतंक और दहशत फैलाना शुरू कर दिया। 1990 से देश पाक परस्त आतंक का दंश झेल रहा है। बहरहाल कारगिल युद्ध की पटकथा एक साल पहले तब लिख ली गई थी जब 11 और 13 मई 1998 को भारत ने परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इसके ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान ने 28 मई को ऐसा ही किया। इसी के साथ दोनों पड़ोसी देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गए। इसके ठीक बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 21 फरवरी 1999 को बस से लाहौर पहुंचे और दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसे लाहौर समझौता कहा जाता है। दोनों देशों ने कहा कि हम सह अस्तित्व के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और कश्मीर समेत सभी मामले मिलकर बैठकर सुलझाएंगे। लेकिन दगाबाज पाकिस्तान एक तरफ भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था तो दूसरी तरफ उसकी सेना हिंदुस्तान पर हमले की साजिश रच रही थी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ इस साजिश के सूत्रधार थे। साजिश का नाम था ऑपरेशन बद्र। दरअसल मुशर्रफ का प्लान था लेह श्रीनगर हाईवे पर कब्जा करने का, जिससे सियाचिन पर पाकिस्तान कब्जा कर सके। लेकिन पाकिस्तान की घुसपैठ की सूचना मिलते ही भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी और तब पता चला कि करीब 600 से 800 घुसपैठिए भारतीय चौकियों पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। 19 मई वो तारीख थी जिस दिन कारगिल युद्ध की एक तौर पर आधिकारिक शुरुआत हुई। दुश्मन ऊंची चोटियों पर बैठा हुआ था और हमारी सेना को दुश्मनों को खदेड़ने के लिए खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी। दुश्मनों के वार का मुंह तोड़ जवाब देते हुए तोतोलिन पहाड़ी से लेकर टाइगर हिल तक हर पोस्ट पर हमारे शूरवीरों ने न सिर्फ कब्जा किया बल्कि पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर खदेड़ दिया। इसके बाद पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए 26 मई 1999 को ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया गया। लेकिन 27 मई को 2 भारतीय लड़ाकू विमानों को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया। इसके बाद लड़ाकू विमानों की जगह हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया जिसने चुन चुन कर दुश्मनों को निशाना बनाया और उनका खात्मा किया। भारत ने मिराज विमानों को मोर्चे पर लगाया और इसने पाक के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया। नौसेना ने अपना ऑपरेशन तलवार शुरू कर दिया। इसके तहत वेस्टर्न नेवल कमांड और साउदर्न नेवल कमांड ने अरब सागर में पाकिस्तान पर नेवल ब्लॉकेज लगा दिया। इस ब्लॉकेज की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोलियम की सप्लाई तक बंद हो गई। इसके बाद एक तरफ शरीफ अमेरिका से मदद मांगते फिर रहे थे तो दूसरी तरफ परवेज मुशर्रफ चीन से मदद की गुहार लगा रहे थे। इसी दौरान मुशर्रफ ने माना था कि उसकी सेना भारतीय इलाके में घुस चुकी है। मुशर्रफ की ये बात भारत ने इंटरसेप्ट करके सार्वजनिक कर दी। इस खुलासे के साथ ही पाकिस्तान की पूरी साजिश दुनिया के सामने आ गई। 4 जुलाई को भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया। इसके बाद भारत ने एक एक कर द्रास सेक्टर, बाटलिक सेक्टर की सभी पहाड़ियों को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ा लिया। भारतीय सेना के जवानों के पराक्रम से पाकिस्तान थर्रा उठा। वो जवानों का रण कौशल ही था जिसके आगे पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए। ऐसे में वीर सपूतों को पूरा देश आज सलाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP News.